नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी छिहत्तर न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कसी कमर। रीता बहुगुणा जोशी ने फरुखाबाद आकर लगाई दहाड़। ओवैसी के बारे में पूछने पर भाजपा कार्यालय में सन्नाटा। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी छिहत्तर न्यूज। अचानक फरुखाबाद आई प्रयागराज सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने विरोधियों पर ताबड़तोड़ जुबानी हमले किए। सबसे पहले उन्होंने बसपा पर हमला करते हुए कहा कि बसपा आज ब्राह्मण का नाम जाप कर रही है और ब्राह्मणों से प्रेम ये सिर्फ एक ढोंग है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि चाहे सारे दल एक साथ आ जाएं, परंतु विधानसभा चुनाव में भाजपा का पड़ला भारी ही रहेगा। प्रयागराज सांसद पहले पूर्व विधायक विमल तिवारी के परिवार से मिली, जिसके तुरंत बाद पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से रूबरू हुई। उन्होंने मोदी सरकार को निरंतर किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कृषि कानूनों को बनाया, परंतु विपक्ष किसानों पर भी राजनीति कर रहा है। संपूर्ण विपक्ष किसानों का हित नहीं चाहता और आंदोलन के नाम पर ढोंग कर रहा है, जबकि प्रधानमंत्री जी किसानों से बात कर उनकी समस्याओं का हल निकालना चाहते हैं, परंतु कुछ लोग किसानों को भ्रमित कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धि भी गिनाई और कहा कि प्रदेश सरकार ने निराश्रित बच्चों के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। 4000 निराश्रित बच्चों के लिए उनकी जीवन पद्धति में सुधार लाने के लिए कार्य आरंभ किया है। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया, परंतु विपक्ष इस पर भी हंगामा मचा रहा है। आगामी संसदीय सत्र में 50 से अधिक विधेयक पारित होने के लिए लंबित हैं, जो राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट साबित होंगे। भाजपा सरकार भारत की अखंडता के लिए सदैव तत्पर है। नए मंत्रिमंडल विस्तार में मोदी सरकार ने हर वर्ग को महत्व दिया, जबकि विपक्ष किसी भी वर्ग का भला नहीं चाहता। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि चाहे सारे दल एक साथ आ जाएं, चाहे गठबंधन करें या महागठबंधन, परंतु भाजपा का पड़ला भारी ही रहेगा, क्योंकि भाजपा सिर्फ विकास के मुद्दों को लेकर व योगी जी के कार्यों को लेकर मैदान में उतरेगी। फिर एक बार प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनाएगी। भाजपा का कार्यकर्ता विषम से विषम परिस्थितियों में भी जनसेवा के संकल्प को जारी रखता है। मायावती पर हमलावर होते हुए कहा कि बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन सिर्फ एक ढोंग है, जबकि 2007 में ब्राह्मणों ने बसपा पर विश्वास किया, परंतु सत्ता में आने के बाद मायावती ने सिर्फ अपनी संपत्ति बढ़ाई, ब्राह्मण तो क्या किसी भी वर्ग का भला नहीं होने दिया। भाजपा सर्व समाज के भले के लिए कार्य करती है, ब्राह्मण सदैव भाजपा के साथ खड़ा है। पिछली बार सपा बसपा कांग्रेस ने महागठबंधन किया, परंतु जनता ने नकार दिया, इसीलिए आगामी चुनाव में भाजपा फिर जन आशीर्वाद के माध्यम से प्रदेश की सेवा करेगी। वहीं पत्रकार द्वारा ओवैसी के भाजपा की बी टीम पूछे जाने पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष के साथ साथ सांसद विधायक के अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं का अच्छा खासा जमाव वाला दिखाई दिया। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ इसी खबर पाने के लिए। एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी छिहत्तर न्यूज। हम फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में, किसी और समस्या को लेकर किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।